नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। 28 सितंबर है, ऐसे में शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है और बिहार सरकार के कोई भी मंत्री और विधायक या फिर कार्यकर्ता यहां नहीं पहुंचते हैं उन पर माला अर्पण करने में। ऐसे पुष्पम प्रिया चौधरी यहां पहुंची हुई थी, भगत सिंह के जो मूर्ति लगी हुई है उस पर माला अर्पण किया और क्या कुछ कह पत्रकारों से, एक बार सुनिए क्या कह रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी और क्या संदेश दे रही हैं नीतीश कुमार। कुछ नहीं कहूंगी इसके बारे में, इसके बारे में तो कन्हैया कुमार जी से पूछी। बिहार हम लोग अभी यहाँ पे हैं, भगत सिंह जी की वजह से यहाँ पे हैं, शहीद आजम की वजह से, इनके बारे में पूछ। मैं आज भगत सिंह का जयंती है और इसके बावजूद भी सरकार यहाँ के सभी आज ध्यान नहीं दे रही है, अभी भी पुराना मला लगा हुआ है माला, इसके अब क्या करना है। सरकार कितनी निठल्ली है ये तो अब सबको पता होना चाहिए। अब तो कोई नया नया आए नहीं है, 16 साल से देख रहे हैं, उससे पहले भी देख रहे थे। ये लोग निठल्ले लोग हैं, ये लोग क्या करें। थोड़ा नीचे कर लीजिए। विशेष राज के दर्जा के लिए अब जदयू बोल रहे हैं कि अब हम लोग का डिमांड नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पहले कर रहे थे क्या, या पहले तो कर रहे थे वो। जितने दिन से इनकी साथ में गठबंधन से सरकार चल रही है, तो दिन में तो मैंने नहीं सुना है कि नीतीश जी गए हों और प्रधानमंत्री जी से कहा है। जब जब इनको भाजपा पे दबाव बनाना होता है तब तब ये इसकी बात शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब चुनाव लड़ा था इन्होंने 2015 में और अलग अलग लड़े थे, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात हुआ करती थी। इसके बाद तो बहुत वक्त बीत गए हैं जबकि इन्होंने साथ में ही सरकार चलाई है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए अब तक कि ये नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक टैक्टिक है, लोग समझते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो तो इनका ढोंग है, पाखंड है, ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते आए हैं। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक गणना पे आज तक किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया है। नीतीश जी तो खुद ही गए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी पर जब वो इतना भी दबाव नहीं बना सकते कि राज्य से संबंधित अगर वो कोई बात करते हैं और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हमें नया लीडर चुनने की ज़रूरत है जो दबाव बना सके। मैम, सुप्रिया हत्याकांड की जांच कहाँ तक पहुँची? इंतज़ार ही हो रहा है अभी तक चार्जशीट के लिए, जो एविडेंस इकट्ठा करने हैं वो कहा गया है कि एक महीने का उन्हें मोहलत दिया जाए, तो हमने दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये आदत रही है बिहार में कि जब कोई एक लड़की जो कि बहुत ही नॉर्मल परिवेश से आती है, या एक बच्चा या एक पुरुष या एक मौत जो हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। उसको बदलने की ज़रूरत है, हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति भी अगर मौत हो जाए, एक व्यक्ति की भी, तो सबको उसी बुलंदी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे तो खबरें वही बनती हैं जो कि पटना में होता है। बिहार पटना नहीं है, बिहार पटना के बाहर भी है, और जो उस तरफ की जो खबरें हैं जहाँ असली लोग रहते हैं, उनकी खबरों को ज़ोर शोर से हम भी उठा रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं और आप लोगों को भी मांग करनी चाहिए। आज के परिदृश्य में भगत सिंह कितना ज़रूरत है? भगत सिंह तो एक ही हैं और आज तो भगत सिंह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश के लिए, इसी भारत के लिए उन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी, क्योंकि उनको लगा कि एक मैसेज जाएगा लोगों में। आज तक वो मैसेज नहीं गया है, आज तक लोगों में ये मैसेज नहीं गया है कि क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है, असली कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। कम्युनिज्म तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और आज देश में कम्युनिज्म का हाल देख लीजिए। कम्युनिस्ट आज भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं और खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, तो वो हमेशा से इम्पोर्टेंट थे, हमेशा से उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की थी वो इम्पोर्टेंट थी। और हर नौजवान का ये कार्य है कि भगत सिंह को जिंदा रखे, अपने दिल में भी और अपने कार्यों में। जो मूर्ति लगी हुई है उस पर माला अर्पण किया और क्या कुछ कह पत्रकारों से, एक बार सुनिए क्या कह रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी और क्या संदेश दे रही हैं नीतीश कुमार को। तो सुना आपने, साफ तौर पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ राजनीतिक
करने के लिए एक मुद्दा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उनको भूल चुके हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं नीतीश कुमार से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।